हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं सिद्दीक, आप देख रहे हैं टेक्निकल इंडस्ट्री। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी कमाल का और सबसे अलग होने वाला है। अब तक हमने जो है थ्योरेटिकल बात पे डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने प्रोग्राम्स किए थे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज का वीडियो इन सारी वीडियो में से सबसे बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हम आज जो है रियल वर्ल्ड सिस्टम के बारे में समझेंगे। फेस लॉक सिस्टम, फेस अनलॉक सिस्टम। जैसे कि आप अपने हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप है, उसके अंदर देख सकते हैं कि आपका जो है मोबाइल आपके फेस से जो है खुलता है। कैसे वो फेस को रिकग्नाइज करता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, आपके फेस को मैच होने के बाद ही लॉक खुलता है। पहले पिन के साथ होता था, पासवर्ड के साथ होता था, फिंगरप्रिंट से भी होता था, लेकिन जो है सबसे बेहतरीन वाला जो है अपना फेस लॉक है। वो अपने इमोशंस को, अपने चेहरे को कैसे रिकग्नाइज करता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा, आउटपुट दिखाऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा। लेकिन उससे पहले चलो शुरू करते हैं सिनेरियो, कैसे वर्क करता है ये सिस्टम। तो फिर आपके सामने जो भी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आर्किटेक्चर डायग्राम, इसके अंदर जो है मैं आपको जो है शुरुआत करा दूं, तो फिर यहाँ पे जो है पहले एक इमेज जो आपके मोबाइल में या सिस्टम में है उसे लोड करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो होता है उस इमेज का इनकोडिंग करना, उस इमेज का इनकोडिंग 0 और 1 फॉर्मेट में करना, ये थी पहली प्रोसेस। अब दूसरी प्रोसेस, जो इमेज वो रीड करने वाला है कैमरा के थ्रू, उस कैमरा के थ्रू के इमेज का इनकोडिंग करना, ये थी दूसरी प्रोसेस। पहली प्रोसेस जो हमने इमेज को स्टोर किए अपने मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, उस इमेज का जो है इनकोडिंग करना। फिर दूसरा आता है जो इमेज कैमरा से रीड हो रही है उस इमेज का इनकोडिंग करना। अब इन दोनों का इनकोडिंग अगर सही हो जाए, दोनों का इनकोडिंग अगर मैच कर रहा हो, तो जो भी जो है लॉक खुल जाएगा। ये था बेसिक सिनारियो। इसके में आपको अगर कुछ नहीं भी समझा है तो ओके, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। मैं अपने जो है VS कोड के वहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने VS कोड पे आ चुका हूँ। दोस्तों, आपसे बता दूँ कि एक भी चीज़ आप स्किप मत करो, हर चीज़ को एंड तक ज़रूर देखे। आप कोड की चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने इसको जो है गिथब पे अपलोड किया है, वहाँ वो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। गिथब पे हर एक कोड दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन हर कोड को समझे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में हमको कितने लाइब्रेरीज लगेंगे? 3 लाइब्रेरीज लगेंगे, जो 2 लाइब्रेरी जिसके अंदर से हमें इंस्टॉल करना होगा, जो हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं होती। वो जो होती है, पहली होते फेस रिकग्नाइजेशन लाइब्रेरी। अब जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करते हैं बोले तो, यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे एंटर करना है पिप इंस्टॉल, और जो लाइब्रेरी का नाम है जहाँ यहाँ पे फेस रिकग्नाइजेशन और फेस रिकग्नाइजेशन डालना है, या तो CV2 ओपन CV जो भी लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इसलिए अगर आपके लैपटॉप के अंदर जो है अगर ये लाइब्रेरी नहीं है, तो आप इसे इंस्टॉल पहले करें, फिर प्रोग्रामिंग की तरफ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ये थी बात लाइब्रेरीज़ की। तो फिर अब इमेज को कैसे ये करते हैं। पहले ये कैम नाम का एक वेरिएबल है, ये CV2 जो भी एक मॉड्यूल है, ओपन CV का एक मॉड्यूल है। यहाँ पे ये वेब कैप्चर, ये वीडियो कैप्चर यूज़ करते हैं, जो भी हमारा कैमरा है कैमरा को एक्सेस करने के लिए, हमारे वेब कैम हो, कैमरा हो या एक्सटर्नल कैमरा हो, इन सारे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ये वीडियो कैप्चर नाम का जो है मॉड्यूल, वीडियो कैप्चर नाम का जो वेरिएबल है यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पैरामीटर होता है 0 और 1। 0 यूज़ किया जाता है जो अपने बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम का कैमरा है उसको एक्सेस करने के लिए, और अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो कहीं तरीके से हमने जो एक्सटर्नल कैमरा जो है हमने अटैच किया होता है हमारे लैपटॉप को, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैं अपने लैपटॉप के ही कैमरे से यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे 0 रख चुका हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फेस नाम का वेरिएबल लिया है, इसके अंदर जो है मैं इमेज को लोड कर रहा हूँ, लोड इमेज फाइल, इमेज फाइल को जो है लोड कर रहा हूँ। आपको मैं दिखा दूँ कि ये image.jpg फाइल है, इस इमेज को जो है मैंने यहाँ पे फेस नाम के वेरिएबल में लोड कर चुका हूँ। अभी फेस इनकोडिंग, तो फिर जो ये इमेज मैंने लोड किया है उस इमेज का जो है मैं इनकोडिंग कर रहा हूँ, और उसे फेस इनकोडिंग नाम के एक वेरिएबल में जो है फेस इनकोड नाम के वेरिएबल में जो है स्टोर कर रहा हूँ। ये था बेसिक सिनारियो, जो भी पहला स्टेप है जिसके अंदर जो है मैं इमेज को लोड कर रहा हूँ, उसको इनकोडिंग कर रहा हूँ, उन सारे इनकोडिंग को जो है मैं लिस्ट में, अब मैंने यहाँ पे लिस्ट क्यों बनाई है, हो सकता है कि मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं एक सिस्टम के, इसलिए मल्टीपल लोगों के इमेजेस अगर हमें ऐड करना है,
उन सारे इमेजेस का इनकोडिंग करके जो है हम एक लिस्ट के अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। ये था पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे भी दो मैंने लिस्ट बनाई है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। जो है वाइल ट्रू कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है। अब ये क्या कर रहा है, आरटी कॉमा फ्रेम। आरटी यूज़ किया जाता है रिटर्न करने के लिए, और फ्रेम जो है कैमरा को रीड करने के लिए। जो भी हमने वेब कैम्प यहाँ पर एक्सेस किया है, उस वेब कैम्प में जो भी दिख रहा है, फ़ोटो है, इमेज है, या कुछ भी है, हर जो भी वीडियो है उसको रीड करने के लिए जो है ये फ्रेम नाम का वेरिएबल यूज़ किया है, और इसे रिटर्न करने के लिए आरटी यूज़ किया गया है। बहुत से लोग आरटी देना भूल जाते हैं, इसलिए एरर्स बहुत से आते हैं, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर समझे। आरटी यूज़ किया जाता है रिटर्न करने के लिए। अब यहाँ पर आता है रिसाइज फ्रेम। ये रिसाइज फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं जो भी इमेज है। अब इस इमेज को हम रिसाइज कर रहे हैं और उसे आरजीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं। RGB में BGR से जनरली हमारा जो भी इमेज होता है वो BGR होता है। अगर हमें उसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे इनकोडिंग करना है या किसी में कंपैरिजन करनी होती है, इन सारी चीज़ों में हमको जो है RGB में कन्वर्ट करना पड़ता है। RGB में कन्वर्ट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें से सबसे ईजी जो मुझे लगता है वो ये लगता है, इसलिए मैं अक्सर यही कंसेप्ट यूज़ करता हूँ इमेज को RGB में कन्वर्ट करने के लिए। ये था बेसिक इमेज को RGB में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फेस कोऑर्डिनेट। फेस कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे ऊपर हमने लिस्ट लिया था, अब उस लिस्ट के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, फेस डॉट लोकेशन। जो भी हमने रिसाइज फ्रेम किया है RGB, उस इमेज को जो है हम लोकेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब इस फेस कोऑर्डिनेट का जो है हम इनकोडिंग कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, फेस इनकोडिंग फंक्शन हमने लिया है। फेस इनकोडिंग में जो भी RGB में हमने इमेज को कन्वर्ट किया है वो, और जो भी ये फेस कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को जो है हम यूज़ करके एक मतलब इमेज का जो भी कोऑर्डिनेट्स है और जो भी इमेज जो RGB में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन दोनों का जो है इनकोडिंग कर रहे हैं, और इनकोडिंग करके जो है फेस इनकोड में हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ फेस इनकोड आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिस्ट लिया था, तो मैंने आपको बताया कि बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये लिस्ट लिया है कि जो भी कैमरे से इमेज आ रहा है उसका इनकोडिंग करे और स्टोर करे। अब दो लिस्ट बनी है, पहले है फेस इनकोडिंग लिस्ट, जिसके अंदर जो इमेज प्रीवियसली हमने लोड किया था सिस्टम के अंदर, उस इमेज की इनकोडिंग यहाँ पे स्टोर है। और फेस इनकोडिंग की लिस्ट में क्या स्टोर है, जो इमेज हम कैमरा के थ्रू रीड कर रहे हैं वो इमेज यहाँ स्टोर है। अब बेसिक आता है कि कंपैरिजन करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप में से जो भी लिस्ट है, लिस्ट में से हर एक वेरिएबल को चेक कर रहा हूँ। हो सकता है कि मल्टीपल इंसान, मल्टीपल लोग हो, मल्टीपल पर्सन्स के इमेज को इनकोडिंग किया गया हो, फिर उसमें से कंपेयर एक के वन बाय वन जो है सबके इमेजेस को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैच नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर फेसेस कर रहे हैं। कौन से कंपेयर, जहाँ ऊपर देख सकते हैं वही दो लिस्ट है, पहले है फेस इनकोडिंग लिस्ट, फिर फेस जिसके अंदर फेस इनकोडिंग स्टोर है। हम यहाँ पे कंपेयर है, अगर मैच ट्रू आता है तो कैमरा रिलीज हो जाएगा, मतलब कि आपने जो भी परफॉर्म किया है वो सारा फंक्शन सही है। और ये बेसिक चीज़ आती है इम शो, जहाँ पे जो है फ्रेम का नाम है, जो भी आप फ्रेम का नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। और यहाँ वेट की जो भी फंक्शन है, इसे मैंने वन मिली सेकेंड में सेव किया है। और ये आता है कि अगर फेस मैच नहीं हो रहा तो टर्मिनेट करने के लिए आप ए एंटर करेंगे तो जो भी फंक्शन है उसे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस चीज़ को जो है आपको रन करके बताता हूँ। जैसे कि प्रीवियसली जो है मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना बस हैंड वगैरह ही कुछ और चीज़ें दिखा के जो है एक्सेस करूँगा। यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है तो थोड़ी देर वेट करते हैं, हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर हाथ दिखा रहा हूँ तो ये हाथ को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, जब मतलब क्योंकि मेरा इमेज वहाँ पे, इमेज की इनकोडिंग वहाँ पे स्टोर है। अब मैं जब भी मेरा अपना फेस लाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो चुका है, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि फेस अनलॉक। फिर से आपको मैं जो है आपको रन करके डायरेक्टली अपना फेस के थ्रू ही आपको बता देता हूँ कि अगर फेस हो, मेरा फेस मैच कर रहा है तो ही जो है प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पे काफ़ी देर होती है प्रोग्राम, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आज इस तरह मेरा फेस को रिकॉग्नाइज किया। फेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद ही जो है ये अनलॉक बता रहा है। तो ये था अनलॉक सिस्टम जो है हम पाइथन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। मैंने इसका कोड भी गिथब पे दिया है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, या आप अपना मिनी प्रोजेक्ट बोल के अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज लेवल में आप जो है दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे बहुत से मैं आपको प्रोजेक्ट्स कराऊंगा। इसलिए आप अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।